किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है तो मूलधन कितना है? किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से, देखिए 7% है दर, समय है 5 वर्ष, साधारण ब्याज है तो 7% 1 साल का, तो 5 साल का 7 × 5 = 35% हो गया। प्रतिशत का मतलब है कि 100 रुपया में 7 रुपया ब्याज, तो 1 साल का हुआ, तो 5 साल का यदि मूलधन को हम 100 मान लें, मूलधन को कितना मान लें 100, तो 1 साल का 7 रुपया ब्याज, तो 5 साल का 7 × 5 = 35 रुपया ब्याज। मूलधन को 100 मानेंगे तो ब्याज हो गया 35 रुपया। यहाँ देखिए साधारण ब्याज है 700, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है प्रश्न में, साधारण ब्याज है 700, प्रश्न में साधारण ब्याज कितना है 700, और आपका परसेंट ब्याज है 35, प्रतिशत में ब्याज कितना है 35। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है मूलधन, तो मूलधन 100 मानते हैं, 100 से गुणा, बस तो हो गया 700 ब्याज प्रश्न का, 7 × 5 = 35 ब्याज हुआ 35%। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, 1 साल का ब्याज 7, 5 साल का 7 × 5 = 35, ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से गुणा, बन गया 35 × 7, 2 × 1 = 0 ही या 2 × 0 ही, 2000 रुपया आंसर, 2000 रुपया आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12000 रुपया उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों से कितनी राशि का भुगतान करेगा, 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा? तो भुगतान जब करेगा तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला के लौटाएगा उसको, और ये पूछ रहा है मिश्रधन, क्या पूछ रहा है मिश्रधन। 13% प्रतिवर्ष का मतलब हुआ साल में 13 रुपया, मूलधन यदि 100 मान लें, मूलधन यदि 100 मान लें तो साल में 13 रुपया, तो 5 साल में 13 × 5 = 65 रुपया ब्याज हो गया। तो मूलधन है 100, अब ब्याज हो गया 13 × 5 = 65, तो मिश्रधन हो जाएगा 165 ना, 100 यदि मूलधन मानेंगे तो ब्याज 1 साल का 13, तो 5 साल का 13 × 65, तो मिश्रधन कितना हो गया 100 + 65 तो 165। तो 12000 क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया उधार लिया, इसका मतलब ये मूलधन है, 12000 रुपया क्या है मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, 12000 क्या है मूलधन है, तो मूलधन ऊपर में आ माने है मूलधन को 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना हमको मिश्रधन, क्या निकालना है मिश्रधन, तो 165 से गुना, बस अब काट दीजिए आंसर, 2 × 0 नीचे का, 2 × 0 ऊपर का काट दीजिए, 12 से 165 को गुना कीजिए, 1 × 0 बैठा दीजिए, हो गया 1980 इतना रुपया आंसर। बारह हजार बटे 100 × 165 बस काट दिए आंसर। यदि 1000 को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्रधन कितना, यदि 1000 रुपया को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्रधन कितना। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि मूलधन को हम 100 मानेंगे तो 1 साल का ब्याज 12.5 रुपया,
तो 2 साल का ब्याज 12.25 रुपया, 12.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 25 हो गया। तो 2 साल का ब्याज हो गया 25 रुपया और मूलधन को माने 100 रुपया, तो मिश्रधन हो जाएगा 125 रुपया। मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब ना मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 125 निकलना है मिश्रधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से और निकालना हमको मिश्रधन, तो 125 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट गया, हो गया 1250। इतना रुपया आंसर, इतना रुपया आंसर। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती है, राशि क्या? ध्यान दीजिए, यदि राशि को हम 100 मान लें, मूलधन को 100 मान लें, तो 1 वर्ष का 25 रुपया होगा ब्याज, 4 वर्ष का तो 25 × 100 रुपया ब्याज होगा। तो ब्याज 100 मूलधन भी 100, देखिए ब्याज 100 मूलधन भी 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 × 100 = 200। आई 8800 रुपया हो जाती है, इसका मतलब ये 8800 मिश्रधन है, तो मिश्रधन क्वेश्चन का मिश्रधन है 8800, आपका मिश्रधन है 200। कैसे? तो 100 मूलधन माने थे आई 100 ब्याज हो गया 25 × 100 तो 200। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना, तो काट दीजिए 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे, 2 से कट गया, 2 × 8 2 × 8 44 × 88 होता है, 44 × 2 = 0 बैठ गया आंसर 4400 रुपया आंसर, 4400 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है, राशि का मान क्या है? एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है, राशि का मान क्या है? ध्यान दीजिए, 6 महीनों का ब्याज हुआ 65.5, तो साल भर का ब्याज क्या होगा? साल भर मतलब 2 से गुना, 6 महीना 6 महीना 2 बार आता है, तो साल भर का ब्याज हुआ 65.5 गुना 2, 1 साल का ब्याज हो गया। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, यदि 100 मानेंगे मूलधन को, यदि 100 मान ले तो ब्याज होगा 5 रुपये न, ब्याज कितना हो गया 5 रुपया। मूलधन को यदि 100 मान ले तो ब्याज क्या हो गया 5 रुपया, तब इसको 100 से मूलधन निकालना, राशि का मान निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, काट दीजिए आंसर, पॉइंट को उड़ाइए तो नीचे में 10 हुआ, 0 0 कट गया, 5 × 2 = 10 कट गया, बस इसको 4 सबको गुना कीजिए, गुना करने के बाद आपको आएगा 26 20, इतना रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपया है, राशि का मान क्या? देखिए, यदि राशि को हम मान लें 100 रुपया, राशि को क्या मान लें 100 रुपया, तो 1 साल का होगा 25 रुपया ब्याज, तो 12 महीना का ब्याज भी तो वही 25 रुपया, क्योंकि 12 महीना मतलब 1 वर्ष, 12 महीना मतलब 1 वर्ष, तो ब्याज हो गया 25 × 1 तो 25 रुपया। मूलधन यदि 100 मानेंगे तो ब्याज हुआ 25 रुपया, निकालना है क्या हमको? निकालना है वही राशि, मूलधन निकालना है, ब्याज दिया है, दिया क्या है ब्याज 935 रुपया, क्या है ब्याज
ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 25 गुना एक 25, 12 महीना का एक हो गया एक साल, तो 25 गुना एक 25, तो ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना मूलधन, तो 100 से गुना, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 935 को जब 4 से हम गुना करेंगे तो आएगा 3740, 3740 रुपया, 3740 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। देखिए अनुपात का मतलब है मूलधन यदि 5 रुपया होगा तो ब्याज होगा 1 रुपया, मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:1 है, इसका मतलब मूलधन 5 रुपया तो ब्याज 1 रुपया, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज मूलधन है 5, मूलधन है 5, ब्याज है 1, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन 5 गुना समय 4 वर्ष, देखिए समय 4 वर्ष, देखिए यहाँ मूलधन है 5, ब्याज है 1, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, बस काट दीजिए आंसर, 5 से काटिए, 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 20 हो गया 5% आंसर। थैंक यू, गुड नाइट।